अगर भाखड़ा नंगल डैम टूट जाए तो क्या होगा? भाखड़ा नंगल बांध भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई और बिजली उत्पादन है। इस बांध से जहां 1325 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, तो वहीं पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैले खेतों की सिंचाई भी की जाती है। आज हम आपको भाखड़ा नंगल बांध से जुड़े तथ्य बताएंगे और साथ ही यह भी अगर यह बांध टूट जाए तो कितनी तबाही मच सकती है। निर्माण। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण 1948 में शुरू हुआ था और यह 1963 में पूरा हुआ। सन 1970 में यह पूरी तरह काम करने लगा था। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 22 अक्टूबर 1963 को इस बांध का उद्घाटन किया था और इसे देश का नया मंदिर बताया था। स्थिति। भाखड़ा और नंगल बांध असल में दो अलग अलग बांध हैं, पर एक ही परियोजना का हिस्सा है। यह दोनों डैम पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर बने हुए हैं। भाखड़ा डैम हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भाखड़ा गांव में सतलुज नदी पर बनाया गया है और नंगल डैम इससे तकरीबन 10 किलोमीटर दूर पंजाब के नंगल में बनाया गया है। भाखड़ा डैम नंगल डैम से ऊंचाई पर बना है और इसका सारा पानी नंगल डैम से होते हुए जाता है। नंगल डैम भाखड़ा डैम से आने वाले तेज बहाव को कम करता है। अगर किसी कारण भाखड़ा डैम को कोई नुकसान पहुंच जाए तो नंगल डैम पानी के भंडार को रोक सकता है और नुकसान से बच सकता है। ऊंचाई आदि। भाखड़ा डैम 226 मीटर ऊंचा है और इसकी दीवार की लंबाई 520 मीटर और दीवार की मोटाई 9.1 मीटर यानी कि 30 फुट है। यह टिहरी डैम के बाद भारत का दूसरा सबसे ऊंचा डैम है। लागत। बांध को बनाने के लिए उस समय 245 करोड़ 28 लाख रुपए खर्च आया था। इसके इर्द गिर्द इतना कंक्रीट लगा था कि संसार की सभी सड़कों को दोबारा बनाया जा सकता है। गोविंद सागर झील। भाखड़ा डैम जिस झील के पानी को रोक कर रखता है उसे गोविंद सागर झील कहते हैं। यह नाम सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पर रखा गया है। यह झील 168.35 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसमें 9.34 घन किलोमीटर पानी होता है। इस झील को बनाने के लिए 341 गांव के लोगों को विस्थापित किया गया था। हिस्सेदारी। भाखड़ा बांध राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 15.2% है। राजस्थान को इंदिरा गांधी नहर द्वारा भाखड़ा बांध तक पानी पहुंचाया जाता है। पर्यटन। भाखड़ा बांध बहुत ही खूबसूरत जगह है जो कई सैलानियों के लिए एक विचित्र स्थान है, पर साल 2009 में सुरक्षा कारणों के चलते इस डैम पर आम लोगों के घूमने पर रोक लगा दी गई थी। अगर भाखड़ा नंगल डैम किसी कारण टूट जाए तो क्या होगा? वैसे तो दोनों बांधों का इतना मजबूत निर्माण किया गया कि यह कभी नहीं टूट सकते। अगर एक डैम किसी कारण टूट जाए तो दूसरा भी नुकसान से बचा सकता है, पर दोनों डैम के टूट जाने से भयंकर तबाही मच सकती है। दोनों बांधों के टूट जाने से हरियाणा, पंजाब के कई निचले इलाकों में पानी भर सकता है। अगर पानी का बहाव तेज हुआ तो यह आधे पंजाब, हरियाणा समेत पाकिस्तान के बड़े हिस्से को भी बहा देगा और लाखों लोग मारे जाएंगे। इसके सिवाय बिजली की भी जो किल्लत होगी वो अलग। सालों तक प्रभावित भूमि पर खेती नहीं की जा सकेगी। ऐसे विनाश के बारे में सोचते ही डर लगने लगता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि कभी भी इस बांधों को नुकसान न पहुंचे। आशा करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।